रामगढ़ का वह इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। नैनीताल ज़िले का रामगढ़ इलाका अपने फलों, खास तौर पर सेब के लिए बहुत जाना जाता है। रामगढ़ दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऊपर का हिस्सा जिसे बोला जाता है मल्ला रामगढ़ और नीचे का हिस्सा जिसे बोला जाता है तल्ला रामगढ़। इस बारिश में तल्ला रामगढ़ सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। वहाँ बादल फटने से भारी आफत उस रात आई थी। तल्ला रामगढ़ का वो इलाका जहाँ हुई सबसे ज़्यादा तबाही और नुकसान 17 और 18 तारीख को हुई भयानक बारिश। ये सड़क हुआ करती थी जो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी तरह गायब है। मकान का हाल आप देख रहे हैं क्या हुआ है। उस रात जब पानी बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने परिवार समेत ऊपर के हिस्सों में जाकर अपनी जान बचाई, लेकिन लोगों के घरों दुकानों को बहुत नुकसान पहुंचा। कई घर टूट गए, दुकानों में घरों में मलबा भर गया। तल्ला रामगढ़ की इस बस्ती में लोगों की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तल्ला रामगढ़ से थोड़ा ही ऊपर झूठिया गांव में मलबे में दबकर कई लोगों की जानें चली गई। वहां अभी तक बिजली बहाल नहीं हो पाई है, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वहां पैदल कई किलोमीटर जाना पड़ रहा है। इस इलाके का सड़क संपर्क बहाल होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक लोग अपने स्तर पर मलबा खाली कर रहे हैं, अपने टूटे घरों की दुकानों की मरम्मत करने में लगे हैं। लगभग कितने बजे हुआ ये? रात में 2:30 बजे के करीब, 10:30 बजे से आना चालू हुआ। तो पहले तो लग रहा था कि मुझे इन लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, खाली कर देना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अगर मौत मेरे को ही मांगती है तो क्या दिक्कत है, मैं बैठता हूँ। सब लोगों से तो खाली करा दिया था इलाका। और आप इन निशानों से देख सकते हैं ये मलबे की हाइट थी, जहां तक एक काला डार्क दिख रहा है ये मलबे की हाइट थी। और इन खिड़कियों को देख सकते हैं कि इन खिड़कियों से पानी पीछे से हॉल से ओवरलैप होकर के मेरे आसन पे गिर रहा था, और यहाँ गिरते गिरते पानी की पोजीशन यहाँ पहुंच चुकी थी जो सीने से टच हो रही। एक खिड़की आप ये देख सकते हैं इस कमरे की, एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की ये, और बाहर तो फ्लड चल ही रहा था, पानी पेलम पेल आ रहा था, दरवाजा खोल रखा था, जो पानी आ रहा था वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था जो हाइट के हिसाब से निकल सकता था, लेकिन उसने एक हाइट बना ली थी 3.5-4 फुट की कि उससे नीचे हो ही नहीं रहा था। वो रात में 2:30 बजे से थोड़ी सी राहत मिली। ये मंदिर का गोदाम और स्टोर रूम था, इसका सारा सामान बह चुका है, कुछ बिस्तर वो पड़े हैं जो पानी में तैरते हुए मलबे की पोजीशन देख सकते हैं, सीमेंट पूरी साइड देख सकते हैं, सब जमा है। आपके यादाश्त में इतना पानी कभी पहले आया यहाँ? इससे पहले मैंने 2013 का फ्लड देखा था केदार वाला। नहीं, यहाँ पे आया था उस समय? यहाँ उस समय नहीं आया था ना, मैं उस समय केदार में ही था, फ्लड तो देख चुका था, लेकिन यहाँ पर पहली इस बार इलाके में मैं इस इलाके में पहली बार मैंने आया फ्लड देखा। यहाँ से पानी और मलबा आफत बनकर नीचे आया।